हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं सैंड पेपर। अगर आप लोगों को सैंड पेपर नहीं पता तो मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सो गाइस, सैंड पेपर बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगेगी सैंड। अगर आप लोगों के पास सैंड नहीं होगी तो आप लोग रंगोली भी यूज कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग हमें लगेगी स्टेपलाइजर। एंड थर्ड थिंग हमें लगेगी एक सीजर। एंड फोर्थ थिंग हमें लगेगी एक कार्डबोर्ड पेपर का बॉक्स। अगर आप लोगों के पास बॉक्स नहीं होगा तो आप लोग कार्डबोर्ड पेपर भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड पेपर को छोटे साइज में काट लेना है। आपको जितनी साइज चाहिए आप उतने साइज में काट सकते हो। मेरे सैंड थोड़ी कम है इसलिए मैं छोटे साइज में काट रहा हूँ। मैंने चार टुकड़े काट लिए हैं पेपर के कार्डबोर्ड। आप इससे ज़्यादा भी काट सकते हो या फिर इससे कम भी काट सकते हो, आपके अकॉर्डिंगली। पेपर काट लेने के बाद हमें जो पेपर का मिडल है, एक सेकंड में दिखा रहा हूँ, ये जो पेपर का मिडल है उसके साइड में जो पेपर है उसे हमें निकाल लेना है। हमें दोनों साइड के पेपर्स को निकाल लेना है। हमें बस उसका ही यूज़ है, बाकी कुछ भी यूज़ नहीं है हमें। ये देखिए, ये पेपर हमें निकाल लेना है। मैं दोनों साइड से पेपर निकालूंगा और जो बीच में बचेगा उसे मैं फेंक देने वाला हूँ। उसका कोई यूज़ नहीं है, बस पेपर का ही हमें यूज़ है। एक साइड का निकाल लिया, अब मैं जल्दी से दूसरी साइड का भी निकाल लेता हूँ। ऐसे करके हमें सारे कार्डबोर्ड पेपर्स का पेपर निकाल लेना है। मैं सारे कार्डबोर्ड पेपर का पेपर निकाल लेता हूँ। पेपर निकाल लेने के बाद हमें उसके ऊपर फेविकॉल लगा देना है। फेविकॉल लगाने के बाद उसे पूरे जगह पर फैलाना भी है, जैसे मैं कर रहा हूँ। फेविकॉल लगाने के बाद हमें सैंड को उसके ऊपर डाल देना है, पेपर के ऊपर। थोड़ा सा भी बीच में गैप नहीं रखना है, पूरे जगह पर हमें सैंड को लगा देना है। देन आफ्टर पेपर को उठा के जो सैंड है उसे टैप करके जो सैंड है वो निकल जाएगी और जो हमारे पेपर के ऊपर सैंड क्लियर लग जाएगी। इसी करके हमें सारे पेपर्स के ऊपर सबसे पहले ग्लू लगा देना है, देन आफ्टर उसके ऊपर हमें सैंड डाल देनी है। अगर आप लोगों के पास सैंड ना हो तो आप लोग रंगोली भी यूज कर सकते हो। सो दूसरे पेपर के ऊपर भी फेविकॉल लगा के सैंड लगाने वाला हूँ। पेपर के ऊपर सैंड लगने के बाद हमें उसे कुछ देर के लिए सुखाने रख देना। एंड देन हमें एक पेपर होल्डर बना लेना है। इसे कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। पेपर होल्डर बनाने के लिए सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड पेपर के ऊपर पेपर होल्डर के साइज से पेपर होल्डर को ड्रॉ कर लेना है। आप अपने साइज से भी कर सकते हो।
पेपर होल्डर ड्रॉ करने के बाद हमें उसे काट लेना है, हमें दो टुकड़े में काट लेना है। और मैं और एक ड्रॉ कर लूँगा पेपर होल्डर को, देन उसे काट लूँगा। पेपर होल्डर काट लेने के बाद हमें उसे फेविकॉल से चिपका देना है। सबसे पहले हमें उसके ऊपर फेविकॉल लगाने दें। मैं दूसरे वाले पेपर होल्डर के ऊपर भी फेविकॉल लगाने वाला हूँ। देन हमें दोनों भी पेपर होल्डर को चिपका लेना है। और उसके बाद हमें उसे सुखाने के लिए रख देना है। सो हमारा पेपर होल्डर सूख चुका है, मैंने उसे साइड से पॉलिश पेपर से पॉलिश भी कर लिया। नाउ हमें पेपर होल्डर्स के ऊपर पेपर्स को स्टेपलाइजर की मदद से चिपका लेना है। सबसे पहले सारे पेपर्स को हमें उठा लेना है एक एक करके। अभी हमें स्टेपलर को लेके उसे अटैच कर देना है हमारे पेपर होल्डर के ऊपर। पेपर्स को पेपर होल्डर के ऊपर रखना है एंड उसके बाद उसे हमें अटैच कर देना है स्टेपलर की मदद से। सो एक साइड तो हमारे अटैच हो चुके, अब दूसरे साइड को भी हम अटैच कर लेते हैं। सो गाइस हमारे दोनों साइड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। सो हमारा जो सैंड पेपर है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसे यूज करके देखूंगा कि ये वर्क करता है या फिर नहीं। सो गाइस अब मैं इसे टेस्ट करूंगा, और इसे टेस्ट करने के लिए मैंने ब्लेंडिंग स्टर्म्स लिया है। और अभी मैं इसे ख़राब करूँगा एंड देन आफ्टर सैंड पेपर के ऊपर मैंने इसे रफ करके यूज करके देखूँगा कि ये वर्क करता है या फिर नहीं। सो हमारा ब्लेंडिंग स्टर्म है वो पूरे तरीके से ब्लैक हो चुका है। अब मैं इसे सैंड पेपर के ऊपर रफ करके देखूंगा कि ये वर्क होता है या फिर नहीं। तो गाइस ये देखिए हमारा जो ब्लेंडिंग स्टम था वो पूरे तरीके से काला था और यह अभी पूरे तरीके से सफ़ेद हो चुका है। मीन्स गाइस हमारा जो सैंड पेपर है वो रियली वर्क कर रहा है। सो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लो, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।